कश्मीर में बड़े तहलके मचे हैं, ये तहलका भी मचा है। इस तहलके को उनका लेने वाला कोई नहीं है, ये वैसे ही जिमिक है, इस तहलके को कोई लेने वाला नहीं है। सब लोग समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि कश्मीर के ही वोटर्स जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं, उनको ही अगर वोटर बनाया जाए, उनकी ही संख्या लाखों में होगी, जो पिछले 30 सालों में इन्होंने वोटर नहीं बनाने दिए या वहाँ वोटर बनाने की मुहिम नहीं चलाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। वो मुहिम अगर वहाँ चलती है, मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कश्मीर में जो नहीं वोटर बने हैं 1990 से लेकर, जो वोटर नहीं बने हैं उनको ये वोटर बनाएं। वही संख्या लाखों में अगर नहीं होगी तो मेरी बात नहीं। ऐसा नहीं है भैया, मेरे किसी भी आदमी को तब वोट बनेगा जब वो अपना वोट कटवाएगा जहां से वो वोटर है। कोई अपना वोट नहीं कटवाता है, ऐसे नहीं होगा। आप आखिर में जब अभी वोटर लिस्ट बनेगी, फाइनल वोटर लिस्ट जब बनेगी सितंबर में दिसंबर में, तो आप आ जाना मेरे पास, उसमें देख लेना कितने नए वोटर बने। अपना वोट आपको बताएंगे कि आप कश्मीर का वोट काट दो, काटोगे क्या? कोई वोटर अपना वोटर वोट नहीं काटता है। इसलिए ये सारा गलत। हाँ, ये एक बात तो ठीक है कि 1951 का 50 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो ये कहता है, अगर कोई आदमी 4 साल 3 साल कहीं रहता है उसको हक है कि वो अपना वोट वहाँ बनाएगा, लेकिन जहाँ पर उसका पुराना वोट है वो वोट कटेगा। और अब ऐसा ज़माना नहीं है, आज वोटर लिस्ट को भी आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, दो वोट तो किसी के बन नहीं सकते हैं।